सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मी बाई पार्क में 27% पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए धरना दिया। पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को निर्देशित कर दिया है कि प्रदेश सरकार चाहे तो आरक्षण का वर्गीकरण करके दबे कुचले पिछड़ों जो शिक्षा नौकरी और सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित हैं उनको मुख्यालय से जोड़कर विकास का मौका दें, लेकिन पूर्व सरकार इसे लागू नहीं किया है। हमारी मांग है कि 27% आरक्षण का तीन वर्गों में बंटवारा कर पात्रों को लाभान्वित किया जाए। धरने में कालंदी निषाद, शीला मौर्य, अनोखे लाल राजभर, अभिषेक चंद्र, पवन राजभर, मनोज चौहान, विनोद मौर्य सहित पार्टी के अन्य सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष केशव राजभर ने कहा, 2000 का निर्देश हुआ तो हम इस क्रमिक अनशन को और भी आगे बढ़ाऊंगा, पीछे नहीं हटने वाले जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी। अनशन चलता रहेगा जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का निर्देश नहीं आ जाता है। करो हम तुम्हारे साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। मांग पूरी हो चाहे जो पूरी हो केशव राजभर मंडल उपाध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी गोरखपुर। हमारी मांग 27% आरक्षण में तीन कटघरे बांटने की है। ये धरना हम लोगों का 24 दिसंबर से लगातार कर्मी कंस्टन चल रहा है। ये हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम मांग को बैठे रहेंगे। हमारा भले ही परमिशन 29 दिसंबर तक का ही है, लेकिन अगर हमारी मांग को नहीं पूरी होती है तब जब तक हम लोगों को बैठना होगा, ऊपर से निश्चित निर्देश नहीं आएगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। इसके लिए अगर सुनवाई नहीं हुआ तो हमको चक्का जाम करना पड़े, रोड जाम करना पड़े या किसी प्रकार का लाठी डंडा खाना पड़े तब भी हम उसे पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक हमारी मांग को नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी जरूरत पड़ेगा ऊपर से निर्देश आएगा पार्टी से तब तक हम लोग करने के लिए तैयार है, करते रहेंगे।